नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सेल्फी विद हमारे नेताजी.com। आज एक नए चेहरे से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और वो चेहरा मध्य प्रदेश का जाना पहचाना चेहरा है। मंदसौर से लोकसभा के सांसद हैं सुधीर गुप्ता जी, जो आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान बने हैं। जीवन यात्रा उनकी कैसी रही, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या कुछ उनके प्रशंसक उनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उनके बारे में, ये तमाम बातें हम आज सुधीर जी से जानेंगे, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुधीर जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर जी। सबसे पहले जो भी प्रशंसक होते हैं वो जानना चाहते हैं कि उनका जो नेता है, उनका जो लीडर है, उसका जीवन कैसा रहा है जब वो परिवार में रहा, यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी सी रही है। मेरा परिवार प्रारंभ से ही राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित रहा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ जो भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में अपने क्षेत्र में काम करते रहे। मेरे पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, बाद में भारतीय जनसंघ के पदों पर रहे स्थानीय स्तर पर। मेरे दादा 40 के दशक में राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े रहे, हिंदू महासभा से जुड़े रहे। धीरे धीरे परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकटता रही, और इसीलिए मैं बचपन से बहुत छोटी उम्र से राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित रहा हूँ, उससे जुड़ गया था। यानी लगभग दो पीढ़ियां प्रभावित करती रही हैं आपको, दादाजी और पिताजी। विद्यार्थी जीवन कहते हैं कि नींव होता है, किसी भी चीज की तैयारी करनी है, किसी भी दिशा में जाना है। चूंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आरएसएस का बहुत प्रभाव रहा है परिवार पर, पिताजी पर, दादाजी पर, तो वो तो ऐसी बात है कि आप पर भी उसका असर रहा होगा। सुधीर जी, अपने विद्यार्थी जीवन के संदर्भ में कुछ बताइए। छात्र जीवन में, और विशेष करके मैंने महाविद्यालय वाले जीवन में प्रवेश किया जी, तब पहले दिन से ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने आप को जोड़कर आगे बढ़ा था, और एक छात्र नेता के रूप में मैंने अपने साथियों के बीच में अपना स्थान बनाया था। छात्रों के बीच पहले दिन से जुड़ जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैं नीचे की कक्षाओं में जब हायर सेकेंडरी स्तर पर अध्ययन करता था, तब भी मुझे छात्र राजनीति में और छात्रों के बीच में सामाजिक काम करने से अपने आप को सरोकार करते हुए आगे बढ़ाने में आनंद की अनुभूति होती थी, और वही मेरा भाव धीरे धीरे छात्रों के बीच में स्थान बना गया। यानी एबीवीपी से जुड़ा हुआ, उसके बाद से ही जो देश सेवा अनुशासन या जिस तरीके का भी उनका नहीं, एबीवीपी के पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था जी, और मैं बहुत छोटी उम्र में 10-11 वर्ष की उम्र में ही और आरएसएस के शाखा स्तर के दायित्वों पर था जी। बाद में मैं छात्र राजनीति में आया, फिर मैंने अपने सामाजिक रिश्ते भारतीय शिक्षण मंडल, प्रबुद्ध भारती, भारतीय मजदूर संघ से, मैंने जब बैंक की सेवाओं में प्रारंभिक दौर में गया था तो भारतीय मजदूर संघ से अपने आप को जोड़ा, और ऐसे करके मैं स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, इन सब क्षेत्रों में काम करता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुझे विद्या भारती से जुड़कर और समाज के लिए शिक्षा के माहौल को देना, उसमें लंबे समय मैंने काम किया है जी। बिल्कुल सुधीर जी, शायद अनुभव ही बोलता है इसलिए इस तरीके के प्रशंसक आपके हैं। नौकरी या व्यवसाय की अगर बात करें, शुरुआती दौर में जैसा कि आपने कहा कि आप आरएसएस के साथ जुड़ चुके थे, राष्ट्रवादी विचारधारा भीतर आ चुकी थी, एक डिसिप्लिन, कहते हैं कि आरएसएस से जुड़ा या शाखा से जुड़ा व्यक्ति है तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जब नौकरी या व्यवसाय की तरफ जीविकोपार्जन के लिए जाना पड़ा तो क्या चयन किया आपने? मैंने नौकरी बहुत कम समय की है जी, बैंक में भी किया, प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने काम किया। उसके बाद मैंने अपने निजी व्यवसाय पर पिताजी के साथ सहयोगी भूमिका में काम किया। क्या व्यवसाय? परिवार मेरा कपड़े का, सोने चांदी का ऐसा व्यवसाय, प्रॉपर्टी का, ये सारे व्यवसाय मेरे रहे। कृषि भी मेरे परिवार से जुड़ी रही है, और इसीलिए इन सब चीज़ों का मेरे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। एक अनुभव भी अच्छा था, हर क्षेत्र का अनुभव, व्यवसाय से, आरएसएस से जुड़ने के बावजूद भी। परिवार में कौन कौन है आपके, कितने लोग हैं? मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिताजी से बहुत कुछ सीखने मिला, दादाजी चूंकि एक जो सीरीज है वो चलती आ रही है, एक श्रृंखला चलती आ रही है,
तो कैसे आपके परिवार के सदस्य हैं? अभी सदस्य में तो मैं मेरी पत्नी और मेरा 12 वर्ष का बेटा है जी। हम तीन सदस्य, मेरी माताजी अभी पिछले वर्ष ही मेरा साथ छोड़कर गई है जी। उम्र भी उनकी थी, लेकिन मेरी माताजी भी राजनीतिक क्षेत्र में जनसंघ की एक कार्यकर्ता के रूप में 60 और 70 के दशक में 80 के दशक में जी। उन्होंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया था। यानी पूरा परिवार लगभग देश सेवा में है। बिल्कुल सुधीर जी से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत बेहद दिलचस्प मोड पर जा रही है क्योंकि परिवार की बात शुरू हो चुकी है और कितना सहयोग परिवार का मिलता है सुधीर जी को अपनी दैनिक दिनचर्या में राजनीति में, ये जानेंगे हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। चल चल रे साथी, चल रे बंधु, चल रे साथी, चल चल चल। करनी है अब हमें पहल, बेहतर होगा देश का कल। एक नई दिशा, एक नई पहल, एक नई फिजा, एक नई पहल। से होगा क्या दादी? अस्पताल और स्कूल बनेंगे, घर घर में चूल्हे जलेंगे, जरूरतमंद भी होंगे सबल। अब कालाबाजारी रुक जाएगी अम्मा। एक नई पहल, एक नई फिजा, एक नई पहल। चल रे साथी, चल रे बंधु, कर अपना धन पाने की पहल। आज ही पहल यानी DBTL योजना से जुड़े और देश निर्माण में हाथ बटाएं। अपना धन पाओ, जन धन बचाओ। हम साथ चले, मिलके चले और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। एक नई दिशा, एक नई पहल। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फी विद हमारे नेताजी.com। आज एक खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम है सुधीर गुप्ता। जी हाँ, लगातार काम करते रहे हैं देश के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा से इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि दादाजी से लेके पिताजी तक सब ने देश सेवा के लिए बहुत कुछ काम किया है, बल्कि उनकी माताजी भी देश सेवा के संदर्भ में काफी कुछ करती रही हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, सुधीर जी हमारे साथ मौजूद है। सुधीर जी, अब बात होगी राजनीति की ओर कैसे आना हुआ। हालांकि ये सवाल बहुत जायज नहीं होता क्योंकि पिताजी और दादाजी जब सब उसी श्रृंखला में है तो नेचुरली एक झुकाव हो जाता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो पिताजी काम कर रहे हैं बच्चे वो पसंद नहीं करते। तो बचपन से ही राजनीति का मन बना लिया था या बताओ करियर या कहीं और जाना था, राजनीति में आना हुआ? नहीं, मैंने अपने आप को सामाजिक संदर्भों से ही जोड़कर रखा। हालांकि पिताजी राजनीतिक पृष्ठभूमि में रहे, मैं भी एक दो बार BJP के बीच बीच में पदों पर रहा, लेकिन दौर मैंने अपने आप को सामाजिक संदर्भों के निकट ही रखा जी। और इसीलिए मेरे जीवन यात्रा में वो सफ़र ज़्यादा है जिसे लोग राजनीति नहीं कहते हैं, लेकिन मैं राष्ट्र के हर कार्य को करने को, उसमें दृष्टि चाहे कोई भी हो, उसका अर्थ लोग राजनीति में निकाल भी लेते हैं, लेकिन मेरी अपनी दृष्टि रही समाज की सेवा करना और मैंने इसीलिए सामाजिक संदर्भों में काम किया। मध्य प्रदेश सरकार में बीच में मुझे प्लानिंग कमीशन का मेंबर होने का एक अवसर प्राप्त था। लगातार 6 वर्षों तक मैं मध्य प्रदेश सरकार की योजना आयोग का सदस्य बनकर मैंने काम किया जी। प्रदेश में उसके विकास के दौर में उसके कई ऐसे संदर्भों का मैं साक्षी रहा हूँ। स्थानीय स्तर से प्रदेश में हमारी एक जन अभियानों को लेकर एक बड़ी इकाई है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में बड़े गहरे तक काम करती रही है। मैं स्थानीय इकाई में उसका उपाध्यक्ष रहकर मैंने नदी गहरीकरण अभियान, गाँव में वृक्षारोपण अभियान, ऐसे कई अभियानों में लगभग 500 से अधिक इकाइयों के साथ जुड़कर काम किया है नीचे जी। तो ग्रास रूट पर वर्किंग करने का भी मेरे को लंबे समय काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो शैक्षणिक क्षेत्र में विद्या भारती से मैं जुड़कर और कैसे सर्व समाज के लिए शिक्षा सुलभ हो सके जी। और उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने काम किया। विद्या भारती के कारण मुझे मेरे अपने अभी जो वर्तमान में संसदीय क्षेत्र है उनके लगभग 300 से अधिक विद्यालय हैं और ऐसे कई विद्यालयों में मुझे जाने का उस दौर में अवसर प्राप्त हुआ है जी। कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में, शहरी पृष्ठभूमि में किस तरीके के बच्चों को निकाल कर और शैक्षिक जगत से जोड़ा जाए ताकि वो
मूल धारा में मिलकर काम कर सके, वो भी लंबे समय काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी दौर में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं वापस भारतीय जनता पार्टी में 2010 के बाद आया हूँ। अच्छा। तो मैंने इतने लंबे समय तक सामाजिक संदर्भों में ही काम किया है। वैसे देखा जाए सुधीर जी, तो राजनीति का जो मूल है वो सेवा ही है। ये बात और है कि अब उसको अलग ढंग से दिखाने लगा है, यानी ये कह सकते हैं कि बचपन से ही जो सेवा भाव की प्रवृत्ति थी वो शायद राजनीति की ओर ले आई, वो एक स्टैम्प के रूप में। नहीं, आपने ये ठीक प्रश्न किया है। राजनीति का अगर उसको ठीक संदर्भों में समझे तो सेवा ही है। बिल्कुल। और हम इसीलिए कई बार नेता शब्द आज बेमानी लगता है। उसका मूल कारण कि नेता व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, और समाज जीवन में भी लोगों के प्रति धारणा यही रहने लगी है कि नेता है मतलब कुछ लोगों का इस किस्म का व्यक्तिगत हित कर देंगे या स्वयं का हित कर लेंगे जी। उससे हटकर मुझे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी बातें देखने को मिली थी, और इसीलिए मैंने अपने आप को राजनीति प्रत्यक्ष करना, सेवा करने का एक बहुत बड़ा और विशाल कैनवास होता है जिस पर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में काम कर सकते हैं। जब हमने ग्रास रूट पर नीचे वर्किंग किया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हमें राजनीति करना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर करना चाहिए, और वो अवसर हमने चुना है। अगला सवाल भी मेरा इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। क्या कारण रहा, जितनी देर हमारी बातचीत हुई है उससे अंदाजा तो लग गया है कि सेवा करना मूल रहा देश के लिए, लोगों के लिए, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए, लेकिन कुछ बेसिक कारण होते हैं राजनीति की तरफ मुड़ने के लिए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 2010 के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बेसिक तौर पर आप जुड़ गए, क्या और मूल कारण रहे राजनीति की ओर रुख करने का? क्योंकि वो देश सेवा जो जिनको आप कह रहे थे वो उसे कंटिन्यू किया जा सकता था, फिर राजनीति की ओर क्यों नहीं? उसको मैं समझता हूँ कि कई बार हम अधूरा इस सब चीज को समझ लेते हैं। सेवा करने का जो तात्पर्य है, प्रत्यक्ष सेवा करना, कि हमने नदी गहरीकरण अभियान में स्वयं को जुटा लिया, या वृक्षारोपण के अभियानों में जुटा लिया, या गाँव में शिक्षा के क्षेत्रों में हमने अपने आप को जोड़ लिया, उस सबसे हटकर जब व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देश गरीबी से जूझ रहा है, आधारभूत संरचनाओं पर काम नहीं है जी। बहुत सारी ऐसे हैं कि जब हमें अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ, लगातार 30 सालों तक सामाजिक संदर्भों में काम किया, तब लगता है कि देश में लोगों की आवश्यकताएं असीमित है, उनकी पूर्ति के लिए जो काम होना चाहिए उसमें हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर नहीं कर पा रहे हैं। तब ध्यान जाता है कि शासन अपने तरीके से जो सेवा करने का उद्देश्य लेकर चला है उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, और उस कमी को दूर करने के लिए हमें अपने आप को आगे होकर आना चाहिए। और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्वों पर रहने के बाद मुझे 2012 के आसपास जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का उस जिले में बनकर ग्रास रूट पर काम करने का भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अवसर प्राप्त हुआ। ये एक अच्छी यात्रा सुधीर जी की है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि देश सेवा के साथ ही राजनीति में आने का जो उनका मकसद रहा वो ये कि उसे एक बड़े कैनवास तक ले जाया जाए, लोगों की जो परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए एक बड़े लेवल पर काम किया जाए। ये एक बहुत अच्छी बात सुधीर जी ने कही है। सुधीर जी, राजनीति के संदर्भ में ही अगला सवाल है। जैसा कि अभी आपकी बातचीत में एक शब्द आया कि नेता कहने पर शायद बहुत अच्छा इस वक्त नहीं माना जाता, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति है। जिस तरीके से राजनीति की बात हम कर रहे थे, क्या ये नहीं है कि जीविकोपार्जन का जरिया इन दिनों राजनीति बन चुकी है? व्यक्तिगत हित पूरी तरह से इस पर हावी है, शायद इसलिए युवा भी इससे दूर रहना चाहते हैं। आपका क्या मानना है, क्या ये सही है कि जीविकोपार्जन का जरिया हो चुकी है राजनीति? मैं अभी नहीं मानता हूँ इस सबको, लेकिन दृश्य पर दिखता जरूरी सही है। लेकिन जब मेरा जिन जिन लोगों से संपर्क आता रहा है या मैंने उन संपर्कों में अपनी प्रगाढ़ता दी है, तो मैं आज भी इसको इस संदर्भ में नहीं देख पा रहा हूँ कि लोग जीविकोपार्जन के लिए इस क्षेत्र में आए। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं, हजारों की तादाद में मेरे संबंध और संपर्कों में हैं, जो राजनीति को जीविकोपार्जन का साधन नहीं मानते हैं। क्योंकि भ्रम चला गया देश के सामने, कुछ ऐसे तथ्य आ गए, कुछ ऐसी बातें लोगों के संदर्भ लेकिन में आ गए। कुछ उदाहरण तो आए हैं सुधीर जी, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि एक कॉमन पीपल अब नेता या एक आम आदमी नेता कहलाना, या यूं कहें कि सेवा भाव जिसको आप कह रहे हैं,
वो उससे जोड़कर नहीं देख पाता। नहीं, आप उसको सिर्फ जीविकोपार्जन के साधन के रूप में ही क्यों मानते हैं कि इसलिए नहीं जुड़ना चाह रहा? वैसे भी बड़ा कठिन नेता बनना मैं नहीं समझता हूँ कि इतना आसान कभी रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी तक की लाइफ में हम देखें, असल नेता भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद जो नेता थे, जिन्हें हम नेता कहने पर गर्व कर सकते हैं, इतना आसान रास्ता नहीं है नेता बनना। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, परिवार, समाज, व्यापार, व्यवसाय, जीवन के नियमित क्रम, अपने मित्र, ऐसे बहुत सारे विषयों से आप बाहर हो जाते हो, दिनचर्या पूरी बदल जाती है। दौर में तो कठिनाई है, इसलिए क्योंकि युवाओं को जो शिक्षा पद्धति दी जा रही है आज की तारीख में, पिता माता भी पूछते हैं क्या करोगे, कौन से जॉब में जाना चाहते हो, यानी जॉब यानी पैसा और राजनीति यानी पैसा, ये बिल्कुल नहीं है। हम हजारों लोगों को देखते हैं जो सेवा भाव से राजनीति, जो सेवा भाव से राजनीति। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परिवार पूरी तरह से हमेशा से लगा हुआ है, माताजी, पिताजी, आप खुद आरएसएस से जुड़े हैं, फिर जो राष्ट्रीय भावना है वो सेवा करने की, वो पूरी तरह से भीतर है, क्या जनता की सेवा करने के बीच किस तरीके के अनुभव आपको सामना करना पड़ता है? कई बार ऐसा होता है कि नाराजगी का भी सामना करना है, कई बार बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत उत्साह उससे बढ़ता है, किस तरीके के अनुभव होते हैं जनता के बीच होने पर? मेरा अपना इसमें जो अनुभव है ये बहुत स्पष्ट है कि नाराज कोई नहीं होता है, पहली चीज तो ये जी। क्योंकि संदर्भ गलत चले जाते हैं इसलिए तात्कालिक विषय उठकर आता है, लोगों को अभी कई स्थितियों पर अंदाज नहीं होता है कि किस जनप्रतिनिधि के क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनसे हम कैसे मदद ले सकते हैं, कैसे हम बेहतर तरीके से, इसलिए एक तात्कालिक नाराजगी होती है जी। लेकिन अगर व्यापक अनुभव करके देखें तो लोग आज महसूस करते हैं कि हम जो कह रहे हैं और वो हम कर रहे हैं, यही नाराजगी का कारण होता है कि हम जो कह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि ये मूर्ख बनाने के लिए खड़े हुए हैं, वोटों को लेने के लिए खड़े हुए हैं, इसीलिए आश्वासन देकर ही स्वयं नेता अपने नाम को खराब करता है। कथनी करने का फर्क शायद, मैं आश्वासनों की राजनीति से अपने आप को प्रारंभिक दिन से ही दूर रखे हुए हूँ। करने का अवसर जब आएगा, जहाँ आवश्यकता है वहाँ हमारे पास अधिकार है तो उनको पूर्ण करते हुए आगे बढ़े, तब जनता के मन में बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। बिल्कुल, जनता का भरोसा तभी बनता है जब आप उनके लिए काम करते हैं, ये एक बहुत बेहतरीन विचार सुधीर जी से बातचीत के दौरान निकला है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, बातचीत बेहद दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि अगला सेक्शन परिवार की ओर ले जाता है, पत्नी कितनी नाराज होती है वक्त ना देने पर और दिनचर्या कैसी होती है सुधीर जी की, छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। आज तुम्हारे हाथ के पराठों ने तो माँ की याद दिला दी। और लेकर आती हूँ। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूँ जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। या बा, फोन में क्या कर रहे हैं? अपनी LPG सब्सिडी गिरफ कर रहा हूँ। अचानक क्यों? मैंने अपनी माँ को लकड़ियां चुनते हुए देखा है। मेरे लिए खाना बनाते हुए धुएं में अपनी आंखें जलाते हुए देखा है। मेरे गिव इट अप करने से उन कई माओं को गैस कनेक्शन मिलेगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है। आप भी अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए www.mylpg.in या www.giveitup.in पर लॉग इन करें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं सेल्फी विद हमारे नेताजी.com लेकर। आज के हमारे मेहमान सुधीर गुप्ता जी हैं, मंदसौर से सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, मध्य प्रदेश की जमीन पर काम करते रहे हैं, आरएसएस से जुड़ाव रहा है, राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत हैं, इसलिए भी राजनीति का रुख कर रहे हैं। अब बात होगी परिवार की, क्योंकि व्यक्ति की मजबूती उसके परिवार से ही होती है। अगला सवाल परिवार के संदर्भ में। सुधीर जी, अब जितनी व्यस्तता, जितना काम राजनीति में आने के बाद या सोशल सर्विस के दौरान होती है, परिवार को कितना वक्त दे पाते हैं? कितनी नाराजगी झेलनी पड़ती है मैम की?
नाराजगी तो मैं समझता हूँ कि उन संदर्भों में तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो इन सारी चीजों से नॉन रही है जी। और मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए अपना मन बनाया था, जिला भारतीय जनता पार्टी में दायित्व पर रहा, जिला अध्यक्ष रहा जी, तो जिला अध्यक्ष के दौर में भी मैं घर परिवार से थोड़ा दूर ही हो गया था। और तब उन्हें इस बात का अनुभव है कि ये जो कार्य है, लेकिन जब वो लोग निवास पर आते हैं, जनता ये कहती है कि हमारा ये काम आपने कर दिया, ये काम हो गया, तब उसकी जो प्रसन्नता है, वो नाराजगी को अगर मन में होगी भी तो वो दूर, दूर हो जाती है। मेरा बेटा छोटा है, 12-13 वर्ष का है अभी जी, लेकिन जब मुझे सांसद का चुनाव लड़ना है ये उसे पता हुई थी, और जब मैं उस समय बाहर था और लौट कर मैं घर गया तो हजारों लोग स्वागत के लिए खड़े थे, तो उसमें एक वो भी था जी। और अपने मित्रों के साथ था और बड़ा प्रसन्न था। लेकिन अब वो प्रश्न पूछता है, बोले पापा हमें तो पता नहीं था कि सांसद ऐसे होते हैं जो अपने बेटे को भी समय नहीं दे पाते हैं। उसी पर नाराजगी थी, कहीं मन में ये भाव जरूर आता, लेकिन उसे उसने स्वीकार कर लिया है और उत्साहित होकर वो महसूस करता है कि उसके पिता कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार इस तरह का टीस भी होती है कि आप एक बड़े कैनवास पे काम कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना बच्चा, उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसकी चीजें हैं, उसे कहीं बाहर ले जाना है, कई सारी चीजें होती हैं जो इस उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं या अपने पिता से ऐसा चाहते हैं, शायद वो कहीं मिस होता है। वो दिक्कत तो आती है, अभी जब उसका स्कूल में वार्षिक उत्सव का अवसर था जी, तो उसने मुझे पहले से ही प्रॉमिस किया था कि आपको चलना है, लेकिन वो दिन ऐसा हुआ कि मैं, मुझे दिल्ली आना बहुत जरूरी था जी। और मेरी प्राथमिकता बदल गई, तो जब भी प्राथमिकताएं बदलती वो परिवार के साथ ही बदल जाती है, क्योंकि परिवार कई बार सेकंड लाइन पर हो जाता है। मैंने उसे बहुत समझाया, दिन में फिर 4 बार बात भी किया, मैंने कहा देख बेटा तेरा एल्बम हम देखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन मन में रहता है, हमारे भी मन में भाव आता है कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर वो मैं समझता हूँ कि जब जिस परिवार में राजनीति है वहाँ बच्चे उस माहौल में ढले ही जाते हैं और उन्हें सैक्रिफाइस कर लेते हैं, उन्हें पता भी रहता है कि इसलिए भी शायद उनको ये मानना होता है कि पिताजी एक सामाजिक लेवल पर, एक राजनीतिक लेवल पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए भी हमें उतना सैक्रिफाइस करना है। अगला सवाल है सुधीर जी कि राजनीति में आने के बाद व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जिंदगी जिस तरीके से बदलती है, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, या आप अपने संदर्भ में कहें कि जिस तरीके से पारिवारिक जिम्मेदारी है, फिर सामाजिक है, फिर राजनीतिक है, बहुत बड़ा कैनवस पे काम करना होता है, एक अकेला शख्स और 24 घंटे का वक्त। नहीं, यहाँ कई चीजें ऐसी महसूस होती है कि पुराने समय में जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे जी, उनमें संयुक्त परिवारों की एक बड़ी परंपराएं रही है, परिवार बड़े होते थे, आज परिवार छोटे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि संदर्भ तो बदलेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से, व्यापारिक हमारे काम कम हो जाते हैं, जो खेती किसानी में तो कृषि कार्य कम हो जाते हैं, ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में आने से कई चीज़ें दूर हो जाती है। मैं अपना अच्छा व्यापार करता था, अच्छी कृषि मेरे पास रही है, घर में गाय और इन सब का खेतों पर मेरे पास बड़ा हो रहा है, इनसे दूरी हुई है, क्योंकि समय का अभाव रहता है और घर में करने वाले सदस्यों की, कार्य करने वालों की कमी होती है। संदर्भ बदल जाते हैं। तो बिल्कुल सुधीर जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बड़े कैनवस पे काम करने में परिस्थिति, स्थिति और सिनेरियो वाकई में बदल जाता है। अगर आपकी दिनचर्या, डेली रूटीन की बात करें तो क्या दिनचर्या होती है, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति का ऑफिस टाइम में तो वक्त है, 10 से 6 है, 9 से 5 है, आप फ्री हो जाते हैं, पर राजनीति में कोई वक्त नहीं, 11 बजे 12 बजे, सुबह 6 बजे 7 बजे। आमतौर पर जो आपकी दिनचर्या होती है, जो सेवा भाव से आप फील्ड में निकलते हैं, लोगों के बीच निकलते हैं, वो कैसी होती है? नहीं, ऐसा तो अब रूटीन, मैं जब से सांसद बना हूँ तब से रूटीन कई बार मैंने अपने जीवन में तय करने की कोशिश करी कि समय प्रबंधन कर लें जी, वो संभव नहीं होता है। इतना डिसिप्लिन रखने की कोशिश करते हैं कि रात
1:30 के आसपास हम अपना वर्क करना क्लोज कर दें जी, ताकि ये ध्यान में रहता है कि कल तारीख बदलने वाली है जी, और काम का तरीका बदलना होगा। कोशिश रहती है कि रात जितना जल्दी समेट लें, हम काम को समेट लें। और सवेरे उठने का एक नियमित क्रम होता है और नियमित कार्य रहता है, और जब हम देखते हैं तो कामों की फहरिस्त लंबी होती है और समय 24 घंटे का होता है। बाकी दिन में लोगों से मुलाकात करने का जो वक्त होता है, लोगों के बीच जाने का जो वक्त होता है, उसे कैसे तक? सामान्य रूप से मैं जब अपने क्षेत्र में होता हूँ, संसदीय क्षेत्र में, तो मैंने अपना कार्यालय अपने निवास पर ही बनाया हुआ है जी, और इसीलिए प्रातः उठकर ठीक 9 बजे जनता या जो भी ऐसे आवश्यक मिलने के लिए समय दिए हुए हैं, सारे लोगों से मिलने का क्रम मैं 9 बजे रखता हूँ जी, जो दिया हुआ समय। लेकिन लोगों के आने का क्रम ठीक 6:30-7 बजे से प्रारंभ हो जाता है, तो मैं अपने उस क्रम को, उस बंधे हुए क्रम में नहीं समाहित कर पाता हूँ। और जितना दिन भर की आवेदन होते हैं, जितने विभागीय कार्य होते हैं जी, वो सारे सवेरे निपटाने के क्रम में हम रहते हैं। मेल चेक करना है, आजकल चूंकि डिजिटलाइजेशन हो गया तो बहुत सारी चीज़ें और मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर समाहित है, तो उसको समय देना, वो सब हम सवेरे सवेरे करने की कोशिश करते हैं। जिन मीटिंगों में हमें जाना रहता है या जनता के जिन प्रश्नों के उत्तर खोजना, उस पर हम रात का समय सामान्य रूप से लगाते हैं, ताकि प्रातः से ऑफिस अपने काम को ठीक से गति दे सके। और अगर दहली रहते हैं तो कल की लोकसभा में क्या होना है, वो तैयारी का समय हमारे पास रात ही होता है जी, लोकसभा से लौट कर आने के बाद, और उसी में समय पूरा हमारा व्यतीत होता है और समय की कमी हमेशा बनी रहती है। वक्त 24 घंटे का ही है और काम बहुत सारे हैं। बिल्कुल, वैसे भी जो सेवा भाव से राजनीति में उतर चुका है, उसके लिए 24 घंटे का वक्त वाकई में बहुत कम होता है। छोटा सा ब्रेक का और वक्त हुआ है, लगातार बातचीत जारी है। फॉर अ सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सेल्फी विद हमारे नेताजी.com। आज सुधीर गुप्ता जी मंदसौर से सांसद हैं, हमारे साथ हैं, बातचीत चल रही है बहुत सारे विषयों पर, बहुत ही सटीक और बहुत ही स्पष्ट, ईमानदारी जिसे कहते हैं उससे जवाब दे रहे हैं। अगली बात राजनीति के वास्तविक स्वरूप पर होगी, जो हमारा ये सेक्शन कहता है। सुधीर जी, अगर इन दिनों देखा जाए तो राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है, व्यक्तिगत कटाक्ष, व्यक्तिगत आरोप, भाषा पर संयम नहीं, क्या इस विषय पर आपका कहना है? कई बार तो चूंकि जो संसदीय जीवन में दिखता है या सामाजिक उसमें जिन चीजों को हाइड दी जाती है जी, मैं समझता हूँ उसमें राजनीतिज्ञों का तो दोष है ही, जो लोग हल्की शब्दों के चयन करने को प्राथमिकता दे देते हैं, मगर उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा मीडिया ऐसी चीज़ों को उठाता है, और व्यक्ति मीडिया में बने रहने के लिए जब इन लाइनों पर जाता है तो निश्चित रूप से दोष पूरी प्रक्रिया का आकर खड़ा हो जाता है। एक समय था राजनीति में अच्छे संदर्भों को बड़ा व्यापक स्थान मिल जाता था, आज उतनी व्यापकता नहीं है। आज हर व्यक्ति कमियों को ढूंढ कर उनको ही आगे ले जाना उसको रखता हो, तो उसमें दोनों चीज़ें निकलती, प्लस और माइनस दोनों हो जाते हैं। कई बार कमियां बहुत ज़्यादा जब मीडिया बताता रहता तो उसी में वो नेता तो बन ही जाता है। तो नेता बनने के जो मायने हैं जी, जिनके पास शॉर्टकट है, वो इस प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, और जो आने वाली पीढ़ी के लिए राजनीतिक क्षेत्र के इस वातावरण को दूषित करती है। शायद इसीलिए मैं बार बार उस संदर्भ का जिक्र कर रही हूँ कि इसलिए शायद युवा
करियर के तौर पर राजनीति को चुनना नहीं चाहता। जैसा कि आपने कहा मीडिया के संदर्भ में, इसमें कोई संदेह नहीं कि मीडिया उन चीजों को हाईलाइट करता है, लेकिन यह है कि वाकई में अगर देखा जाए तो इन दिनों राजनेताओं का जो स्तर है बातचीत का, राजनेताओं का जो एक दूसरे पर आरोप लगाने का स्तर है, वो काफी गिर चुका है। इसमें कोई, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, इसमें हम अगर पिछले 50-60 सालों के पहले के दृश्य पर जाएं जी, तो शायद मैं सोचता हूँ कि वो दृश्य लौटने की ओर है, वापस लोग उसी का इंतजार भी कर रहे हैं। आपने कैरियर शब्द का उपयोग किया, मैं समझता हूँ कैरियर तो है ही नहीं राजनीति, ये तो दीवानगी है, ये तो देश के लिए काम करने वाली एक ऐसी बड़ी शहादत है ये कह सकते हैं कि जिसमें व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर देश और समाज की काम करता है। मोदी जी एक बड़ा उदाहरण है उसमें। ऐसे कई लोग हैं जो आज आइकॉन बने हैं देश के सामने, जिन्होंने सेवा को चुना है, देश को पहले चुना, और इसलिए कैरियर शब्द जो राजनीति में होता है वो सही नहीं है। झुकाव युवाओं का उस ओर कम है, इस संदर्भ में मेरा सवाल था। खैर, आदर्श नेता के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो आपको क्या लगता है क्या क्या बेसिक गुण उनमें होने चाहिए? एक तो सेवा प्रधान होना ही है, व्यक्तिगत हितों को पीछे करें। नहीं, मैं अगर आदर्श नेता की दृष्टि से बात करें तो सेवा, इसको भी छोड़कर इससे आगे का विषय कि आखिरकार आप जिस कंट्री के लिए जन्म लिए हैं, जिस कंट्री के लिए खड़े हैं, वो वैश्विक संदर्भों में कितनी माकूल जवाब दे पा रही है। नेता वो होना चाहिए जो सारी दुनिया को अपने देश के माध्यम से कल्याण की तरफ ले जाए। संदर्भ जब तक बड़े नहीं होंगे, सेवा व्यक्तियों की करना, उसे अस्पताल पहुंचा देना या उसके लिए आज रहने को मकान नहीं है उसको उपलब्ध करवा देना जी। मगर जब बड़े संदर्भों में कोई व्यक्ति काम करेगा और सारे संदर्भों में काम करेगा, तब मैं मानता हूँ कि वो एक प्रतीक पुरुष के रूप में स्थापित होता है, जो सेवा के साथ साथ समाज जीवन में हर एक व्यक्ति को सारी दुनिया के लिए काम कर सके इन संदर्भों में खड़ा करने का दम रखता हो। और इसीलिए सेवा करने के बजाय उस व्यक्ति को स्वयं अपने पांवों पर खड़ा कर देना, ये सोच जिस व्यक्ति में होती वो एक आइकॉन के रूप में बिल्कुल देश के सामने आना। बहुत ही सटीक परिभाषा आदर्श नेता की सुधीर जी ने दी है। सुधीर जी, राजनीति से ही जुड़ा अगला सवाल है, हालांकि पहले प्रश्न से जुड़ा है। वर्तमान राजनीति की अगर बात करें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो इस समय के राजनीतिज्ञ हैं वो गिरते स्तर के जिम्मेदार हैं? क्योंकि राजनीति इन दिनों बहुत गिरते स्तर पर है, ऐसा एक आम आदमी सोचता है। राजनीति का स्तर जो इन दिनों गिरता जा रहा है, क्या आप मानते हैं? जैसा कि आपने कहा कि मीडिया उन चीजों को उछालती है, लेकिन वो वास्तविक घटित हो रहे हैं तभी मीडिया उठा रही है। ठीक है, हम उसका परसेंटेज कम और ज्यादा मान सकते हैं, लेकिन क्या राजनीति किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए, समाज जैसा बनाना चाहता, मैं बहुत स्पष्ट इस मामले में मानता हूँ कि जिम्मेदारी अगर आपने तय भी कर दी जी, लेकिन दल नहीं चाहते हैं और लोग भी उन्हें उन्हीं संदर्भों में ढूंढना चाहते हैं, तो दृश्य कभी नहीं बदलेगा। इसलिए राजनीतिज्ञ तो दोषी है ही है जो गलत लाइन पर जा रहे हैं, पर मेरा अपना हमेशा मानना रहा है कि राजनीति के इस दूषित वातावरण को ठीक करना तो उसमें समाज के सभी पक्षों की जवाबदारी है। सारे पक्ष ऐसे राजनेताओं को जो ठीक संदर्भों में काम करते हैं उनको ठीक तरीके से परिभाषित करके लाएंगे तो लोग अच्छाई की तरफ जाएंगे। इसको ऐसा भी देखा जा सकता है कि अगर किसी रेखा को छोटी है उसको बड़ी करना है तो डस्टर लेकर मिटाने के बजाय बड़ी रेखा की ओर अगर ध्यान आकृष्ट करेंगे तो लोगों को बड़ी लाइन पर जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। बिल्कुल, बहुत ही सटीक जवाब सुधीर जी की तरफ से है, क्योंकि नकारात्मक भाव का एक भी जवाब आप देख रहे होंगे सुधीर जी की तरफ से नहीं आ रहा है। इसी संदर्भ में एक सवाल और है सुधीर जी की, अगर आप युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, अगर आप युवाओं को राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं जिसकी बहुत जरूरत है, तो आपके हिसाब से क्या कुछ करना होगा? नहीं, ठीक से अगर आपने देश में माहौल दिया और सारे स्तंभों ने मिलकर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, हमारा पत्रकारिता का क्षेत्र, अगर ये सारे मिलकर ठीक दिशा की तरफ ले जाते हैं तो आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों की श्रेणी में खड़ा है जी। युवाओं के पास अपने अपने प्रश्न हैं, उनके उत्तर चाहिए उनको। सिर्फ राजनीति करके जिंदाबाद नारे लगाने से नहीं होगा सब कुछ,
उनको बदल दिखना चाहिए और नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में आकर करना ऐसा ही नहीं, उन्हें एहसास होना चाहिए कि नेतृत्व कार्यपालिका में जाकर भी होता है, नेतृत्व न्यायपालिका में भी जाकर होता है, नेतृत्व उद्योग व्यापार कृषि विज्ञान सभी क्षेत्रों में नेतृत्व होगा। और अगर आपने ये दृष्टि खड़ी कर दी कि हमें हर चीज में नेतृत्व करना है, हर चीज में लीडरशिप, अब लीडरशिप के मायने आप अगर सिर्फ उसको वोटिंग पद्धति से करेंगे तो कंट्री कभी आगे नहीं बढ़ती है। यानी एक सामाजिक जो भागीदारी है, जो जिम्मेदारी है, वो अगर प्रत्येक नागरिक उठाने लगे तो अपने आप बदला नेतृत्व कर रहा है और बदलाव हो रहा है। बिल्कुल, वाकई में समाज के हर तबके को बदलने की जरूरत है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप राजनीति का ही दामन थामें। एक और छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है। ब्रेक के उस पार बेहद दिलचस्प सवाल होगा सुधीर जी से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आगे बढ़ने का निर्णय क्यों। छोटा सा ब्रेक, फॉर वॉट। ये चांदनी का चौक है, ये रविंद्र का सेतु है, मरीना का बीच है, ये आजाद का मैदान है, खड़े सिंह का मार्ग है, चित्तरंजन का एवेन्यू है, ये अन्ना का नगर, यही है गंगा की है ये नदी, ये लक्ष्मी की कॉलोनी है, बंकिम का स्ट्रीट है, ये नरीमन का पॉइंट है, ये और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा, यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी, पान नहीं थूकने दूंगा, केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी, अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। सुधीर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मंदसौर से सांसद हैं। सटीक जवाब इनकी तरफ से हर एक प्रश्न का आ रहा है। अब जो जवाब है वो वाकई में एक ऐसा सवाल का जवाब होगा जो कि दिशा और दशा दोनों तय करेगा इस पूरे इंटरव्यू की। जी हाँ सुधीर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगातार सेवा भाव रहा है पिताजी, दादाजी, माताजी, सभी लोग, जब राजनीति में आने का यानी एक बड़े कैनवास पर काम करने का जब मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी का चयन क्यों? नहीं, अगर हम पीछे सारे भारत के अंदर जो राजनीतिक दल हैं अगर उनके दृश्यों और परिदृश्यों पर देखें तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा आज़ादी की लड़ाई के उस दौर में, जब हमने देखा कि कांग्रेस सत्ता के बिल्कुल निकट आई थी, देश आधा अधूरा आज़ाद हुआ था, बंटवारा हुआ देश का, लेकिन आज़ादी के बाद देश चलाना कैसे है इस पर काम ही नहीं हुआ, इस पर विचार नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। हालांकि हिंद स्वराज में गांधी ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, गोखले और तिलक ने भी उन संदर्भों में काम किया था, मगर शायद आज़ादी के वक्त ये प्रश्न बड़ा नहीं था कि देश कैसे चलाएंगे, प्रश्न बड़ा था कि देश आज़ाद हो जाए जी। लेकिन उस दौर के बाद देश चलना कैसे था तो वो आज़ादी के ठीक बाद से ही उसमें भटकाव नज़र आया। और हमने देखा है कि अंबेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोहिया, ऐसे सब लोगों ने उस आज़ादी के आंदोलन के बाद एक बड़े मुकाम पर अपने आप को चिन्हित किया था और धीरे धीरे उन राजनीतिक दलों से अपने आप को दूरी बनाकर देश के सामने नए संदर्भ रखे थे। हमने कई स्थानों पर अपने आप को बोनी स्थिति में पाया कि किन संदर्भों में देश को काम करना है। ठीक, हम देखें कि हमारे साथ साथ आज़ाद हुए देश जापान, हम हिरोशिमा और नागासाकी के दौर से निकला, तो हमने अन्य ऐसे कई देशों में देखा, महसूस किया, अध्ययन किया कि वो लोग हमारे ही समकक्ष खड़े हुए हैं और बहुत तेज़ी से हमसे आगे निकल गए हैं। तो व्यक्ति तो नेता की तरफ देखता है। हमने कई नारे दिए, गरीबी हटाओ के नारे दिए मगर हट नहीं पाई, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ इस संदर्भ में काम किया लेकिन हमने देखा कि दृष्टि उनकी सिर्फ मजदूरों के लिए ही है, बाकी सारे संदर्भों में कौन काम कर रहा है कि वो देश के कुल वातावरण के लिए काम करेगा, देश के संसाधनों के लिए काम करेगा, पशु पक्षियों से लेकर मानव मात्र के लिए काम करेगा, ऐसे विचार राजनीतिक दलों में बहुत देखने के बाद भाजपा के अलावा मुझे कहीं दिखे नहीं जो शोषण मुक्त व्यवस्था के साथ साथ
देश के संदर्भों में भी काम करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को भाजपा के निकट खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी का चयन आपने किया जब बड़े कैनवास पर काम करना हुआ, भारतीय जनता पार्टी कैसे दूसरी पार्टियों से अलग है, किस क्या बेहतर बनाता है भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से? कुछ जवाब आपने अपने पहले प्रश्न में दे दिया कि उसका चयन क्यों किया, लेकिन फिर भी वो कैसे दूसरी पार्टियों से बेहतर है? अभी आप देखें कि सांसदों को देखें या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर काम करने वाले लोगों को देखें, जनप्रतिनिधियों को देखें, तो बहुत बड़ी तादाद में हमें ग्रास रूट पर ऐसे लोग मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से और काम कर रहे हैं। उनका ध्येय बड़ा पवित्र रहा है और इसीलिए जब ठीक व्यक्ति ठीक तरीके से काम करता, और यही दौर कांग्रेस के पास एक दौर में था, आज़ादी की लड़ाई के दौर में वो बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे, उनके पीछे बहुत ही स्पष्ट चिन्हित था। लेकिन आज अगर आप देखें तो ऐसे कई 2G से लेकर ऐसे स्पेक्ट्रम से लेकर ऐसे घोटाले जो उनके नाम पर चस्पा हैं, तो निश्चित रूप से मानकर चलें कि अगर शुचिता और शुद्धता की बात करनी है तो फिर अच्छे संदर्भों में ही काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और भारतीय जनता पार्टी में शायद वो परिवारवाद और इस तरीके की भी चीजें नहीं है जिसकी वजह से उसका चयन पार्टी के रूप में आपने किया है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है। अगला जो सेगमेंट हमारा होगा, अगली जो बातचीत होगी वो सुधीर जी के संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में होगी। फॉरन लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुधीर जी से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में आप उनसे बातचीत करेंगे। सुधीर जी, मध्य प्रदेश की मंदसौर लोकसभा जो सीट है जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके संदर्भ में कुछ बताइए। भौगोलिक, सामाजिक, किस तरीके की परिस्थिति है वहां पर, कैसे काम करना होता है, क्या कुछ संरचना है वहां की? आज हम दिल्ली में बैठे हैं और मैं समझता हूं कि दिल्ली का संसदीय क्षेत्र या इस प्रांत को हम संसदीय क्षेत्रों में विभाजित करें तो कुल मिलाकर 50 किलोमीटर की लंबाई और 50 किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग बसा हुआ यह क्षेत्र है। ठीक पलट मेरे संसदीय क्षेत्र में जाएंगे तो 200, 250, 300 किलोमीटर चलना जी। और गांवों तक, नीचे तक फैला हुआ नेटवर्क, उस पर काम करना, तो ये अपने आप को बदल देता है। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है जी। उद्योगों से बहुत दूर है, उद्योग बहुत सीमित मात्रा में वहाँ हैं और कृषि प्रधान स्थितियों में देश के आर्थिक स्तर को सुदृढ़ता की तरफ ले जाना, उसी लाइन पर हमें काम करना रहता है और उसी पर हम काम भी करते हैं। तो ये बात हो गई कि मंदसौर का जो क्षेत्र है वो किस तरीके का है। चूंकि आपके संसदीय क्षेत्र की बात हो रही है, इसलिए अगर आपके टेन्योर को देखा जाए, आपके कार्यकाल को देखा जाए, अभी जब से आपने वहां की बतौर सांसद जिम्मेदारी संभाली है, तो क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं और क्या कुछ काम आपने अपने क्षेत्र के लिए किया है, क्या कुछ आपके एरिया के लिए काम हुआ, आपके क्षेत्र के लिए काम हुआ, या क्या उपलब्धियां कह लीजिए? नहीं, अगर हम परिवहन की दृष्टि से देखें तो रेलवे ने वहां मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 17 अंडर ब्रिज, 6 ओवर ब्रिज स्वीकृत किए हैं। शायद मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद उस क्षेत्र के विकास की रेलवे की दृष्टि से ये बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, दोहरीकरण, प्लेटफार्मों के उन्नयन, ऐसे कई काम रेलवे ने किए हैं। 5 मार्गों के सर्वे, रेल नए मार्गों को तलाश रही है, ये इन्हीं 2 वर्षों के अंदर हुआ है। अगर हम सड़कों के निर्माण की तरफ देखें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अब मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी सड़क बाकी नहीं है। मैंने बैठते ही एक साथ 42 सड़कों की, शायद ये उस क्षेत्र की सबसे बड़ी घोषणा थी। सीमेंटीकरण की ओर क्षेत्र बढ़ रहा है। आंगनवाड़ियाँ अब मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 तहसीलों में बिल्कुल शून्यता की तरफ चली गई, इन्हें सारी की सारी घोषित हो गई है।
जन एक दो वर्षों में बनकर आगे बढ़ जाएगी। मसाला बोर्ड की गतिविधियां उधर बड़ी है, स्पाइस का बहुत बड़ा क्षेत्र है, कृषि के संदर्भ में बहुत सारी संभावनाओं पर हम वहाँ काम कर रहे हैं, टर्मिनल मार्केट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जी। तो भारत सरकार वहाँ लाइसेंस के आधार पर अफीम की खेती करवाती रही है। मैं जब सांसद बना था उस समय लगभग 35,000 के आसपास किसान उस लाइसेंसी खेती से जुड़े हुए थे, अफीम की खेती से, और ओलावृष्टि के कारण उनकी लाइसेंसों के कटने की बहुत बड़ी संभावना होकर 16-18,000 के आसपास लाइसेंस बच पा रहे थे जी। हमने उस प्रक्रिया में सुधार करवा के अफीम की गाढ़ता, उनकी जो औसत एवरेज देना होती है उसमें कमी करवाते हुए लगभग 20,000 के आसपास, 15-20,000 के आसपास पट्टों को उस दौर में 2014 में जुड़वाया था। आज भारत सरकार ने घोषणा की और 60,000 से अधिक लाइसेंसी, और मैं समझता हूँ कि अगर उनमें कृषि मजदूरों को गिने तो लगभग 3-4 लाख कृषि मजदूर मंदसौर और चित्तौड़ ऐसे दोनों संसदीय क्षेत्रों को मिलाकर, और बड़ी रोजगार की संभावना है उस क्षेत्र में खड़ी हुई है। 2019 जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछले 2 सालों में कई सारी उपलब्धियां रही हैं, 2019 जब आम चुनाव आएगा क्या वरीयता है अभी तब तक काम करते रहने की, यानी 2019 तक अभी और क्या कुछ काम करना अपने क्षेत्र के लिए? मैं तो उसमें पहली प्राथमिकता चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को हाउसिंग फॉर ऑल, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा उस पर हम नीचे ग्रास रूट पर बहुत तेजी से वर्किंग कर रहे हैं जी, उसमें हमें सफलता मिले। लेकिन सबसे बड़ी मन की शांति की सफलता तो ये कि मैं हर खेतों तक पानी पहुंचा दूं, ये प्राथमिकता है, और किसान बिना पानी के अपनी खेती की तरफ नहीं जा सकता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की उद्घोषणा है, और उसी के संदर्भों में मैं भी अपने आप को उसमें लगाकर काम को आगे बढ़ाने के लिए गतिशील बना रहता हूँ। बिल्कुल सुधीर जी, अपने क्षेत्र के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं 2019 तक काफी काम वरीयता में भी है जो कि इस क्षेत्र के लिए होगा। वाकई में ये सेगमेंट सबसे दिलचस्प होता है क्योंकि जो प्रशंसक हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे नेता आगे क्या करने वाले हैं या जिनसे वो जुड़े हुए हैं वो क्या करने वाले हैं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम ब्रेक के उस पार होंगे जहां सवाल होगा मोदी जी के संदर्भ में कि आखिरकार मोदी जी से क्या कुछ सीखने मिला है। छोटा सा ब्रेक, फॉरन बॉर्डर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई, हाँ ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, अपने कार्यक्रम के एकदम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। ये सेगमेंट भी बेहद दिलचस्प होता है क्योंकि ये प्रशंसक जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनके नेताजी ने अपने नेता से क्या सीखा है। जी हाँ सुधीर जी, मोदी जी के लिए बातचीत हो उससे पहले अगर बतौर सांसद आकलन करना हो 2014 से लेकर अब तक के केंद्र के विकास कार्यों का, कैसे विश्लेषण करें? मैं उसको अगर विश्लेषण के अंकों की दृष्टि से देखें तो मैं समझता हूं कि ये एक दौर ऐसा था जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी देश के पास, और उन संसाधनों की कमी के दौर में देश को विकास के लिए आगे बढ़ते हुए देश के रूप में खड़ा करना, तो शायद मैं समझता हूँ कि 10 में से 10 अंक का काम मोदी जी ने किया है। उसको हम किसी भी संदर्भों में देख सकते हैं, वैश्विक दृष्टि से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें, रोडों के संदर्भ में करें, हवाई सेवाओं के संदर्भ में करें, सेनाओं के संदर्भ में करें, वैश्विक हमारे रिश्तों के संदर्भ में करें, व्यक्ति के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर हर सेक्टर पर जितनी तेजी से काम हुआ, अगर उसको परसेंटेज वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं तो शायद मैं समझता हूं ये अद्भुत है पिछली सरकारों की तुलना में। बिल्कुल 2014 से लेकर अब तक केंद्र ने जिस तरीके से काम किया है उसका विश्लेषण आपने इन संक्षिप्त शब्दों में किया है। बात मोदी जी की 18 से 20 घंटे काम करना,
विदेश में होना, देश के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, जिस तरीके का परिश्रमी व्यक्तित्व मोदी जी का रहा है, जो अनुशासन के साथ, क्या कुछ सीखने मिला है बतौर सांसद? एक व्यक्ति कितना कर सकता है, एक व्यक्ति कितना कर सकता है, शायद मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जिन चीजों को आदर्श माना था जी, कि कर्म करे जाओ, पर ऐसे बिरले लोग दिखते थे, मोदी जी उस फहरिस्त में आज सबसे ऊपर हैं, क्योंकि सारे देश की इच्छाएं, सारे लोगों की इच्छाएं, सारे समाज की व्यवस्था और प्रबंधन के हर पक्ष की इच्छा जी, अपने नेता से होती है, और नेता हर स्थान पर खड़ा मिलता है। शायद मैं समझता हूँ कि जब कथा कहानियों में हम किंवदंतियों में देखते थे कि जब इच्छा की तब ईश्वर सामने है, या कृष्ण को जहाँ खोजा वहाँ कृष्ण हमारे साथ मिल जाते थे, आज आप युवाओं में देखें तो मन की बातों के माध्यम से, सरकारी महकमों में देखें तो रात की 11-12 एक बजे तक काम करते हुए दौर में, दुनिया भर में फैले हुए भारतीयों और भारत के अलावा भारत से प्रेम करने वालों बीच के, तो दुनिया के हर देशों के बीच में, पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में देखें तो हर कार्यक्रम में, तो मोदी जी हर उस मुकाम पर खड़े हैं जहां देश की इच्छा होती है। जब आपदा के दौर में हमने देखा तो नेपाल में, कश्मीर में, तबाही के दौर में वो सुदूर दक्षिण के प्रांतों में, हर जगह वो व्यक्ति खड़ा हमें दिखा। शायद मैं समझता हूँ ये अद्भुत था, और ये हम सब के लिए प्रेरणा का कारण भी है कि हमें जनता की, हमारे पास तो छोटा क्षेत्र है मोदी जी की तुलना में, लेकिन जनता की हर आवश्यकता के बीच उनके बीच अपने आप को पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी सिद्धि हमने माननीय मोदी जी से सीखने का प्रयास किया। व्यक्तिगत तौर पर क्या कुछ आपने मोदी जी से अपने जीवन में अपनाया है? कहते हैं कि बहुत अनुशासन प्रिय हैं मोदी जी, और जिस तरीके से व्रत पूजन भी, अमेरिका में थे, बराक ओबामा से मुलाकात करनी थी, फिर भी वो सिर्फ जल पर थे, नींबू पानी पर थे, किस तरीके का अनुशासन उनके जीवन का है जो आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया? वो तो बहुत कठोरता है, सारी चीजें तो हम अपने जीवन में ला नहीं सकते हैं जी, और लेकिन जब देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है, तो वो सारी चीजें हम अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, तभी तो हम सामाजिक संदर्भों में और मोदी जी का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं जी, और उसका प्रतिबिंब देखने को मिलता है। बिल्कुल। अंतिम सवाल इस कार्यक्रम का, नरेंद्र मोदी की सरकार में, पीएम मोदी की सरकार, जिस तरीके के विकास कार्य हुए हैं या जिस तरीके से देश चल रहा है, अगर आपको बतौर सांसद या व्यक्तिगत तौर पर स्कोर करने का मौका मिले 1 से 10 के बीच में, कितने अंक देंगे आप? मैंने इस चीज को दोहराया था आपके प्रश्न पर वापस मैं, क्योंकि जब अंकों की जोड़ बाकी हम करेंगे तो मैं किसी भी संदर्भ में, चाहे सड़कों के निर्माण के संदर्भ में देख लें आप, तो एक नए प्रतिमान पर हम गए जहां कई गुना वृद्धि हुई, मकानों के निर्माण के संदर्भ में आजादी के बाद कभी भी इतनी तेजी से काम, और पुअर सेक्टर में हाउसिंग का काम मैं नहीं समझता हूँ कि कभी हुआ है। सिंचाई के क्षेत्रों में देखें तो कमाल की प्रगति हमें देखने को मिल रही है, और इसीलिए ये जिस जिस संदर्भों में हम खोजने का प्रयास करेंगे, व्यक्तिगत रिलेशनों को देखें, स्वास्थ्य को देखें, सारी दुनिया में योग के संदर्भों को ले जाकर एक सरकार के व्यक्तित्व के माध्यम से खड़ा कर देना, ऐसे आप किसी भी संदर्भों में देखें तो पूर्णता पाते हैं। जहाँ कमियाँ हैं वहाँ हमें कसक नजर आ रही है कि उसमें तेजी से बढ़ते हुए कदम मोदी जी के हमें दिख रहे हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक छोटे से पीरियड में, छोटे से कालखंड में, छोटी सी समय सीमा में बंधकर इतने विशाल चीजों को छू लेना, शायद ये पूर्णता की ओर बढ़ता है। इसीलिए शून्य से संसार बन जाने की कल्पना यहाँ सही मायने में चरितार्थ होती है, और इसीलिए मैं अंकों के इस जोड़ में, मोदी जी के संदर्भ में आपने पूछा तो मैं 10 में से 10 अंक देते हुए उस कदम को बढ़ते हुए कदम के रूप में देख रहा हूँ। जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से मंदसौर के लिए सुधीर जी काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर पीएम मोदी, केंद्र सरकार और सुधीर जी सभी सटीक होंगे और सभी खरे उतरेंगे। बहुत अच्छा लगा सुधीर जी आपसे बातचीत करके, तमाम बातों पर जिस तरीके से आपने सटीक और विवाद का जवाब दिया है, वाकई वो काबिल तारीफ है। बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज इस चेहरे के साथ इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।